गुड इवनिंग। जैसे ही हम क्लास ओपन करते हैं हम लोग जो है आप लोग पिन कर लीजिए। पिन क्या होता है, जैसे मेरा फिगर दिखता है ना साइड में दिखता होगा आपको, लाइनिंग जितने भी व्यक्ति लाइव रहते हैं उनके नाम भी दिखता रहता है और ऐसे भी दिखता रहता है, उसमें मेरा भी आपको के चौधरी दिखेगा। तो के चौधरी को टच करेंगे तो नीचे में पिन का ऑप्शन आएगा लाइनिंग टाइप, तो उसको लाइनिंग आप कर लीजिएगा, वो अच्छा रहता है, ठीक है। जिससे कोई भी बोलेंगे तो स्क्रीन पे जो है ना नहीं पिन किए रहेंगे तो वो आ जाएंगे, अगर पिन किए रहेंगे तो सिर्फ हम रहेंगे। चलिए ठीक, जुड़ने दीजिए, जुड़ने दीजिए सभी को। देखिए हम जो पढ़ रहे थे आयत काल के, ठीक है, आयतकार के पढ़ रहे थे, ठीक है, सभी आकार रहेगा जने लीजिए। अभी ये पढ़िए, लाइट प्रॉब्लम आ रहा है नहीं, एक मिनट लीजिएगा। देखिए आयतकार खेत जो है, ठीक है, इसके बारे में हम आप लोग को बता दिए हैं। बस इसमें क्या करेंगे हम, मेल जो लेते थे, ठीक है, उसको कड़ी में लेके बताए थे, तो कभी कड़ी में लेंगे, कभी मीटर में ले लेंगे, कभी यानी अलग अलग चीज में लेते रहेंगे, और उसको कभी हम डिसमिल में निकाल के बताएंगे, कट्ठा में निकाल के बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। फिर अभी तक जो इस पीछे वाली क्लास हुआ था उसमें हमें स्क्वायर फीट में आपको निकाल के दिख रहा है, दिखाए थे, ठीक है, स्क्वायर फीट में दिखलाए थे। और आज जो दिखलाएंगे कि इसी को, ठीक है, इसी को अगर आपको डिसमिल में चेंज करना होगा कोई भी आकार हो तो किस प्रकार करेंगे, एक प्लॉट है, प्लॉट लेके, ठीक है, क्योंकि पीछे पढ़ा है आप आसानी से कर लेंगे, ज्यादा समझाने का हमको आवश्यकता पड़ेगा नहीं, ठीक है। देखिए ये मान के चलिए प्लॉट है जो आयतकार है, ठीक है, ये कड़ी पे हम ले लेते हैं, ठीक है, कड़ी पे ले लेते हैं, ऐसे कड़ी पे बताए हैं लेकिन फिर भी हम कड़ी पे ले लेते हैं और इसको इसमें हम डिसमिल ज्ञात करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा कि आयतकार खेत है, ठीक है, जिसका एक भुजा आपको ले लेते हैं 11 कड़ी, एक भुजा 11 कड़ी यानी चौड़ाई हो जाएगा 11 कड़ी, और लंबाई, इसका लंबाई हो जाएगा आपको 22 कड़ी, 22 कड़ी, ठीक है। एक आयतकार खेत है जिसका चौड़ाई 11 कड़ी, लंबाई जो होगी आपको 22 कड़ी होगी, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं आपको करना है, ठीक है, बस आपको डेसिमल निकालना है, ठीक है, डेसिमल बराबर क्या, ठीक है, डेसिमल आपको निकालना है, ये सवाल हो गया, ये जो अभी देख रहे हैं, ठीक है, ये सवाल हो गया। अब इस सवाल को अगर इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो लिखेंगे एक आयतकार खेत है, एक आयतकार खेत है, लिखते चलिएगा, लिखिए ऐसे लिख दिए हैं, लिखिएगा, एक आयतकार खेत है जिसकी लंबाई 11 कड़ी, जिसकी लंबाई 11 कड़ी एवं चौड़ाई, हेलो, 22 कड़ी, हाँ बोलिए, हेलो हेलो हेलो, सुन रहे, बोलिए,
देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी क्वेश्चन लिखिए फिर बात करेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, लंबाई 22 कड़ी हो तो इसे, ठीक है, मतलब इस का रकवा, ठीक है, इसका रकवा डिसमिल में ज्ञात करें, इसमें इसका रकवा डिसमिल में ज्ञात करें, ठीक है? क्वेश्चन सही व्यक्ति लिखेगा, जब हम आपको जो है ना बता देते हैं आपको, जब आप नोट्स जो बनाते हैं उसका पीडीएफ जब भेजेंगे उसमें हम चेक करेंगे, ठीक है? तो ये नहीं समझिएगा यहाँ पे फक्की मार देंगे, लिखते चलिएगा हर एक पॉइंट को। तो ये क्वेश्चन था कि एक आयतकार प्लॉट, एक आयतकार खेत है जिसकी चौड़ाई 40 कड़ी और लंबाई 22 कड़ी हो तो उसका रकवा डिसमिल में ज्ञात करें, ठीक है, उसका रकवा डिसमिल में ज्ञात करें। तो डिसमिल हमको यहाँ पर निकालना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इससे पहले लिए थे, लगी का मान दिए थे, स्क्वायर फीट में निकाल रहे थे, क्या करते, लगी का मान दिए थे, ठीक है, और उसको क्या करते थे, धूर में निकालते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या किए हैं, आपको सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ डिसमिल में चेंज करना है, वहां धूर में चेंज कर देते हैं, यहाँ डिसमिल में चेंज करना है, बस यही अंतर है। देखिए क्वेश्चन, सर देखिए सर क्वेश्चन एक बड़ा मिनट सर, सुंदर इसमें है, लंबाई सर कितना है? 22 कड़ी लिखा है। लंबाई 22 है सर, चौड़ाई 11 है ना? हाँ, रवि ठीक से है सुन सर। नहीं रहे थे क्या? आपका अथी ऑफ है, हाँ सर, अभी मैंने जुड़ा था इसलिए। तो ज्वाइन किए हैं तो बीच में नहीं बोलिएगा, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड मिल जाता है, ठीक है, ऐसे 22 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये आयत का प्लॉट है, तो इसका जो है, देखिए आयत का यहाँ पे आप लोगों को दिखता होगा, खेत आयतकार खेत लिख लेते हैं, ठीक है, आयतकार खेत का, खेत का रकवा बराबर, देखिए रकवा बराबर, यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिएगा, ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लंबाई कितना है, लंबाई है 22 कड़ी, ठीक है, और चौड़ाई कितना है, 11 कड़ी, ये 11 कड़ी है चौड़ाई हो गया। अब इसके आधार पे इसको निकाल लेते हैं, देखिए आयतकार खेत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ये सूत्र सभी जानते हैं। अब इसको लंबाई और चौड़ाई पे बैठा बैठा देंगे, लंबाई है 22 और चौड़ाई है 11, ये दोनों कड़ी है, क्या है, दोनों कड़ी में देखिए 22 कड़ी गुने 11 कड़ी, ठीक है, 11 कड़ी, इस दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, 11 दूना 22 दो बज गए, 11 दूना 22 24, ठीक है, 11 दूना 22 दो बज गया, 11 दूना 22 24, यानी इतना वर्ग कड़ी आ गया, क्या वर्ग कड़ी आ गया। और आप लोग को बता दें ये जो लिख रहे हैं ना, ठीक है, तो A to Z कॉपी में हमको आप जब नोट्स भेजेंगे रहना चाहिए, ठीक है, हल्का समझ के नहीं लीजिएगा कि हम आयत के बारे में जानते हैं ये वो दिस है, ठीक है ना, हम जो भी पढ़ाते हैं पूरे आपके कॉपी में होना चाहिए, ठीक है, बहुत व्यक्ति आयत समझ के इग्नोर करेंगे, सो नहीं करना है, थोड़ा आसान रहे भारी रहे, पूरा लिखना है स्टेप बाय स्टेप। देखिए इसको डिसमिल चेंज करना हो, ये तो एरिया निकल गया, तो रकवा तो निकल गया, इतना रकवा देखिए रकवा इतना निकल गया, लेकिन हमको डिसमिल भी निकालना है, तो देखिए इसको डिसमिल में चेंज करना है, ठीक है, तो डिसमिल में चेंज कर, डिसमिल बराबर कितना हो जाएगा, देखिए डिसमिल बराबर, ठीक है, तो गौर कीजिए वर्ग कड़ी में निकला है, क्या चीज वर्ग कड़ी में निकला है, तो देखिए एक डिसमिल का जो मान वर्ग कड़ी में, देखिए अभी वर्ग कड़ी का यूज होगा, सबसे पहले जानेंगे हम, और यहाँ लिख देते हैं डिसमिल बराबर होता है, डिसमिल बराबर होता है रकवा, देखिए रकवा भागा 1000, ठीक है, 1000 रकवा भागा 1000, आपको यहाँ पे लिखना है वर्ग रकवा वर्ग करी में निकला है, तो वर्ग करी यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे वर्ग करी आ जाएगा, वर्ग करी ऊपर नीचे दोनों,
इस सूत्र पे इसको बैठा देंगे, ठीक है। तो पहले से जानिए, एक डिसमिल बराबर 1000 वर्ग करी होता है, 1000 वर्ग करी यानी स्क्वायर करी, ठीक है, 1000 वर्ग करी, इसको नहीं दिखाई देता है, समझिए वर्ग करी लिखा हुआ, डिसमिल का मान होता है। तो इस चीज को यहाँ पे यूज किया गया है सूत्र में, ठीक है ना। डिसमिल बराबर रकबा, यानी जितने भी रकबा आपको निकला है, यानी रकबा मतलब होता है एरिया, क्षेत्रफल, कोई भी एरिया, रकबा यानी एरिया आप समझते ही होंगे इंग्लिश में, और हिंदी में क्षेत्रफल पढ़ते आए बचपन से, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले एरिया पढ़ते आ रहे, वही एरिया यहाँ पे जो है ना। तो एरिया रकबा मतलब एरिया, ठीक है। एरिया क्या चीज में निकला है, 240 वर्ग करी है, यानी वर्ग करी में निकला है, उसीलिए डिसमिल निकालेंगे तो उसको एक डिसमिल का मान वर्ग करी मिलेंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर फीट रहता तो एक डिसमिल का मान स्क्वायर फीट में लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे जो पढ़ेंगे ना, तो सूत्र कई प्रकार के यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पे सूत्र कई प्रकार का आएगा, सभी प्रकार के अभी हम बात करेंगे, और आप लोग पूरे दिमाग को खोल के रखिएगा, ऐसे पीछे भी पढ़ा चुके हैं, वही चीज को रिपीट होगा, जो पढ़ते आए उनको लगेगा पीछे वाले चीज रिपीट हो रहा है, रिविजन हो रहा है, नया चीज सीखने को मिलता है, और जो नई क्लास के रहेंगे उनको लगेगा कि पहाड़ सर दे रहे हैं, बहुत सारा चीज नया आ रहा है, कुछ हमको पता ही नहीं है, इसलिए पीछे वाली क्लास कीजिए, कोई दिक्कत है 3 से 4 के बीच में हमको कॉल कीजिए। देखिए इसमें सेट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, रकवा कितना है, देखिए रकवा है 242 वर्ग करी, ठीक है, इतना आया है, और बट्टा जो है 1000 वर्ग करी, ठीक है, वर्ग करी, इसको डिसमिल में चेंज करना है, तो इससे भाग देंगे, ठीक है, ये जीरो नहीं है, जीरो नहीं समझेगा बहुत व्यक्ति, ये वर्ग करी है, तो 1 2 3 है, 3 अंक के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको आंसर जो आएगा डिसमिल बराबर, सो 2.242 डिसमिल, ये डिसमिल आ गया, ये जो निकला है डिसमिल निकला, इतना डिसमिल जमीन आ गया, तो हमको डिसमिल में निकालना था, डिसमिल में निकल गया, ठीक है। अब देखिए ये सवाल तो देख लिया, और इसी में कई प्रकार के सवाल आएंगे, ठीक है, पहले इस सवाल को समझिए, इस सवाल में अभी जो बताए हैं कुछ नहीं है, पूरे बेसिक चीजें पीछे वाले चीज को रिपीट किए हैं, कैलकुलेशन पीछे वाला हुआ है, कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है ना क्वेश्चन का बे थोड़ा चेंज हुआ है, बस थोड़ा चेंज हुआ है, बाकी सब पीछे वाले चीज ही है, बेसिक चीज ही इसमें यूज हुआ है, जो नहीं क्लास किए हैं आराम से क्लास कीजिएगा, पीछे वाले इस बोर्ड में जो अभी बताए हैं इसमें अगर किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम हो वही बोलेगा, अन्यथा मैक को ऑफ ही करके रखेंगे, बताइए सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए सर, अभी भी आया है, देखिए एक आयतकार प्लॉट है, यहाँ पे आयतकार प्लॉट की बात हो रहा है, ना कि त्रिभुजकार, विषमबाहु, चतुर्भुज, बहुत सारे आकार होते हैं, ठीक है, तो वो सब नहीं बात हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयत का बात हो रहा है, ठीक है। तो एक आयतकार प्लॉट है जिसकी चौड़ाई 11 करी और लंबाई 22 करी है, तो इसका जो मतलब इसका जो रकवा निकलेगा उस रकवा को, यानी एक आयतकार खेत की चौड़ाई 11 करी, लंबाई 22 करी हो, तो उसका रकवा डिसमिल में क्या करे, तो ये क्वेश्चन था, और आप लोग लिखेंगे हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाना था, जो क्वेश्चन अभी हम बोले हैं उसमें हम लंबाई इतना हो गया, चौड़ाई इतना हो गया, और डिसमिल हमको निकालना था, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए जो है ना ये दिए हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट सिर्फ यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे लिखा था, देखिए तो आयतकार कोई भी प्लॉट हो, ठीक है, यानी आयतकार खेत, ठीक है, आयतकार खेत, ठीक है, या प्लॉट बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही चीज होता है, तो वो जो आयतकार प्लॉट रहेगा उसका आप लोग मैथ पढ़ते आए हैं, लंबाई आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं किए, रकवा यानी क्षेत्रफल के जगह पे रकवा लिखे, तो क्षेत्रफल को ही, एरिया को ही रकवा बोला जाता है अमीन की भाषा में, ठीक है, यहाँ पे रकवा लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो फॉर्मूला है, तो यहाँ अपने फॉर्मूला है, आप लोग जानते हैं, इसमें कोई ऐसे नहीं है कि ये कैसा है क्या हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद इसमें शिफ्ट कर दिए, लंबाई था 22 करी लिख दिए, चौड़ाई 11 करी था 11 करी लिख दिए, उसके बाद दोनों को कैलकुलेशन कर दिए यानी गुणा कर दिए, तो
242 वर्ग कर दिया गया, यानी 242 स्क्वायर कर दिया गया। 242 स्क्वायर कर दिया गया क्या है? रकवा है। क्या है? रकवा है। रकवा बोले तो एरिया, क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं। फिर हम तो इतना रकवा देखे यहाँ पर, फिर रकवा ही इतना। अब हमको डिसमिल में चेंज करना, तो डिसमिल में चेंज करना, डिसमिल में यहाँ पर फॉर्मूला होता है रकवा। देखिए रकवा अगर वर्ग परी में, तो वर्ग परी लिखना नहीं भूलिएगा। अगर स्क्वायर फीट में रहेगा तो स्क्वायर फीट लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिएगा जो चीज में यहाँ पे आया रहेगा ना, जो चीज में आया रहेगा उसी चीज पर, उसी में एक डिसमिल का मान दिखेगा। जैसे यहाँ पे वर्ग करी आया, तो वर्ग करी का मान एक, मतलब वर्ग करी में एक डिसमिल का मान कितना होता है? वर्ग करी में एक डिसमिल का मान होता है, एक डिसमिल बराबर कितना होता है? 1000 वर्ग करी। 1000 वर्ग करी लिख दिए, ठीक है। ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। अब फॉर्मूला नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, हम आप लोगों को पढ़ा है, सभी को फॉर्मूला लगेंगे, लेकिन आप लोग के लिए कॉन्सेप्ट है, बस समझने वाली चीज है। बस ये सूत्र तैयार हो गया, इस प्रकार से हेलो सर बैठाए कैसे, अभी मैं को ऑफ कीजिए, देखिए अभी बैठाए कैसे। तो रकवा के जगह पे रकवा लिख दिए, डिसमिल का मान है, डिसमिल का मान यानी 1000 वर्ग करिए, इसको जो है भागा कर दिए 1000 से, कितना से? 1000 से। तब 1000 से भाग किए तो ये 0.242 डिसमिल आ गया। ये क्या आ गया? डिसमिल आ गया, ठीक है। डिसमिल ही तो हमको निकालना था, यही तो निकालना था। तो इसके जगह पे जो है ना, ये इसके इसके जगह पे कितना जाएगा? 0.242 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। हाँ बोलिए, क्या कौन बोल रहे थे बताइए। हेलो सर। हाँ प्रवीण जी। सर जैसे डिसमिल का मान 1000 दिए, तो 435.6 नहीं दे सकते हैं क्या? 435.6 वो रकवा में, जैसे वर्ग कड़ी अगर स्क्वायर कड़ी में होगा तो वहां पे 435.6 लिखा जाएगा बट्टे में। गौरव जी, हाँ गौरव जी, आपको समझ में आया? समझा के कोई दिक्कत नहीं ना आपको? जी 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 सर, बिल्कुल समझ गए सर। चलिए ठीक है। देखिए प्रवीण जी, आप अगर आपका क्लास छूट गया है तो आराम से जो प्रीवियस वाले जो भी क्लास है उसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगा 3 से 4 के बीच में हमको कॉल कीजिए और उसको नोट करते चलिए। और आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, पीछे पढ़ा चुके हैं कि कभी भी अगर एरिया मान के चलिए वर्ग कड़ी में निकलेगा, तो उसको डिसमिल में चेंज करने के लिए वर्ग कड़ी का मान, वर्ग का एक डिसमिल का मान जितना वर्ग कड़ी में होता है, यानी वर्ग कड़ी एक डिसमिल का मान वर्ग करी में जितना होता है उससे भाग देंगे, ठीक है, तब जाके वो डिसमिल में चेंज होगा। तो यहाँ अगर स्क्वायर फीट रहता ना, स्क्वायर फीट इसके जगह पे, अगर स्क्वायर ये जो मान है स्क्वायर फीट में आता, तो यहाँ पे आपको 435.6 लिख के बस कर देते, निकल जाता डिसमिल ही। तो समझिए यहाँ पे रकवा क्या चीज में निकाले, अगर वर्ग करी में निकाले हैं रकवा, तो वर्ग एक डिसमिल का मान वर्ग करी में जितना होगा उससे भाग दीजिएगा, ठीक है। अगर स्क्वायर फीट में निकलेगा, ठीक है, अगर स्क्वायर फीट में निकलेगा, अगर एरिया यानी रकवा, उसको एक डिसमिल का, देखिएगा एक डिसमिल का मान स्क्वायर फीट में कितना होता है उससे भाग दे दीजिएगा और डिसमिल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आगे यही सब क्वेश्चन लेने वाले हैं, और आपका क्वेश्चन जो ब्रेन में चल रहा था, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं भी बोलते ना, तो आगे जाके क्वेश्चन को अभी हम बोलते ही अगला क्वेश्चन यही लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा, अभी इसमें थोड़ा परिवर्तन होगा, कड़ी के जगह पे हम जो है ना यहाँ पे कुछ और लेंगे। ऐसे हम पीछे हम आप लोग को बता दिए थे कि कैसे क्या चेंज किया जाता है, और बहुत सारे चेंजिंग हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप समझिए, ठीक है। देखिए तो हो गया, इतना चीज को समझ गए आप लोग। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ बदलाव करें, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ बदलाव करें, क्वेश्चन में बदलाव ये करेंगे, यहाँ पे जो है ना, ठीक है, करी के जगह पे स्क्वायर फीट लेंगे। देखिए प्लॉट रहेगा आयतकारी, देखिए ये आयतकार प्लॉट है, इसका एक भुजा यानी बोला जाए, ठीक है, इसका जो है चौड़ाई जो है 12 फीट है, कितना? 12 फीट चौड़ाई, 12 फीट, और लंबाई इसका जो है
फीट है। थोड़ा अच्छा से लिखते हैं जिससे आप लोगों को भी अच्छा से दिखे, ठीक है। 24 फीट, सॉरी 11 12 फीट, या 12 फीट चौड़ा और 24 फीट लंबा एक आयत का प्लॉट है। इसका क्वेश्चन को आप लोग लिखिएगा, क्वेश्चन लिखना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ लिखे रहेंगे ना, तो बहुत सारे चीजें ऐसे हैं कि आपको आगे समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को लिखिए, बहुत आवश्यक है। लिखिए, एक आयतकार खेत या प्लॉट लिख सकते हैं, खेत भी लिख सकते हैं या प्लॉट भी। एक आयतकार खेत, एक आयतकार खेत की लंबाई, एक आयतकार खेत की लंबाई 12 फीट है, 12 फीट है, एवं एवं चौड़ाई, एवं सॉरी, एक आयतकार खेत की चौड़ाई 12 फीट है, क्या 12 फीट है, और लंबाई 24 फीट है, लंबाई 24 फीट है। तो उस प्लॉट का रकबा को डिसमिल में ज्ञात करें, डिसमिल में ज्ञात करें। देखिए यहां पे जो है लंबाई जो है 24 फीट और चौड़ाई 12 फीट, 12 फीट आ गया, और हमको डिसमिल ज्ञात करना है। क्या कर रहा है? डिसमिल ज्ञात करना है। तो किस प्रकार आएगा? देखिए, एक आयतकार प्लॉट का अगर रकबा निकालेंगे, रकबा वही लंबाई गुने चौड़ाई होता है जो अभी पढ़ा है, बस थोड़ा अलग होगा, बस इसमें शिफ्ट कर देंगे। लंबाई है 12, सॉरी लंबाई है 24 फीट, 24 फीट और चौड़ाई है 12 फीट। इसका रकबा जो हो जाएगा, देखिए 12 चौक 48 का 8, हाँ से 4 हो जाएगा, 12 दूना 24, 4 28, 12 चौक 48 का 8, हाँ से 4, 12 दूनी 24, 4 28 स्क्वायर फीट यानी वर्ग फीट हो जाएगा, वर्ग फीट, वर्ग फीट, ठीक है। ये आपको रकबा निकल गया, क्या निकल गया? रकबा, ये रकबा निकल गया। आप डिसमिल निकालेंगे, देखिए डिसमिल, डिसमिल बराबर, डिसमिल निकालेंगे तो डिसमिल बराबर रकबा, रकबा वर्ग फीट है तो वर्ग फीट लिखेंगे आप। रकबा क्या चीज में? वर्ग फीट में, वर्ग फीट लिख दीजिए, ठीक है। जितना रकबा आएगा, लेकिन रख दीजिए यहाँ पे, अगर मान के चलिए हम रकबा कि जब रकबा के साथ वर्ग फीट नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, क्योंकि रकबा कभी भी वो एरिया ही होता है, स्क्वायर में ही आएगा, वो फिक्स है। लेकिन हम आप लोगों के समझने के लिए इसमें ऐड कर रहे हैं कि अगर मान के चलिए ये जो निकाले हैं, जो हमको जो रकबा निकला है वर्ग फीट में निकला है, तो डिसमिल निकालेंगे तो रकबा को वर्ग फीट में ले लेंगे, जिससे ये आपको ब्रेन में याद आएगा कि हमको नीचे में लेना है क्या। इसलिए यहाँ पे जो है ना, हम ये लिख देते हैं, ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए गौर कीजिए, ये है वर्ग फीट, क्या है? वर्ग फीट। तो देखेंगे एक डिसमिल का मान वर्ग फीट में कितना होता है, क्या एक डिसमिल का मान वर्ग फीट में कितना होता है? एक डिसमिल का मान वर्ग फीट में जो है आपको, एक डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट होता है, ठीक है, 6 वर्ग फीट होता है। अब देखिए,
तो यहां पे हम जो लेंगे 435.6 वर्ग फीट, ठीक है, वर्ग फीट। अगर मान के चलिए अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट पता है, जानते हैं, ठीक है, जिनको दिक्कत हो रहा है उनके लिए हम वर्ग फीट लिख रहे हैं। वर्ग फीट लिखने की आवश्यकता नहीं है, रकबा बटा डिसमिल के मान लिख देंगे, सूत्र वही है। लेकिन ये आपको याद, बहुत स्टूडेंट गलती करने लगते हैं, रकबा जो आ गया डिसमिल का मान क्या चीज मिलेगी वही नहीं उनको समझ में आता है। इनको ये नहीं समझ कि अगर एरिया जिस चीज में निकला उसी का उसी में जो है ना डिसमिल का मान लेंगे, उनको नहीं पता चलता, उसी हमको लिखना पड़ता है, नहीं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप इस पे बैठा देंगे, इस पे बैठाएंगे रकबा, यानी रकबा जो है क्या चीज में निकला है, स्क्वायर फीट में निकला, यानी वर्ग फीट में। तो यहाँ पे 288, ठीक है, बट्टा 288 वर्ग फीट लिख लीजिए, ठीक है, चलेगा, क्योंकि वर्ग फीट से वर्ग फीट कट ही जाता है, लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है, वर्ग फीट से वर्ग फीट कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे 435.6, ठीक है, वर्ग फीट, क्या वर्ग फीट, ठीक है, वर्ग फीट से वर्ग फीट कट जाता है, ठीक है। तो आप काट सकते हैं सिंपल से, अब 288 यहाँ पे ना, 288 में 435.6 से भाग देंगे तो मान जो आएगा वही हो जाएगा डिसमिल का मान। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, जिससे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो और समय की बचत हो। 288 भागा 435.6 इज इक्वल टू, यानी 0.6611, तीन अंक तक लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आएगा 0.66 और 1-1 चार अंक तक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, लेकिन दो अंक तक भी लेंगे तो चलेगा, तीन अंक तक हम ले लिए, तीन अंक तक चल गए, ठीक है। लेकिन कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे वो पूरा अंक ले लेगा, आपको पूरे अंक लिखने की आवश्यकता नहीं है कैलकुलेटर, इसलिए अमीन के क्षेत्र में कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा ना, तो एक रीति रीति का कैलकुलेटर कर लेते, और नहीं तो आपको जो है ऐसे करके करेंगे तो दिक्कत। अमीन को कैलकुलेटर साथ रखना चाहिए, कैलकुलेटर बिना कैलकुलेटर का नहीं चलना चाहिए, ठीक है। यहाँ हो गया, ये जो मान निकला है डिसमिल का मान निकला, ठीक है। तो देखिए ये प्लॉट था स्क्वायर फीट में, अब यहाँ पे निकल गया डिसमिल। देखिए सवाल में कुछ चेंजिंग है, काम वही किया गया, यहाँ पे वर्ग कली था, यहाँ पे अभी वर्ग फीट आ गया, यानी वर्ग फीट, वर्ग कली के जगह पे, कली के जगह पे फीट आ गया, बस यही लंबाई, ठीक है। अभी बोर्ड में बताए हैं इसमें किन को प्रॉब्लम है ये बताए, जिनको प्रॉब्लम है वही बोले। सर डिसमल में दशमलव, डिसमल में कितना अंक लिया जाता है दशमलव के बाद? देखिए डिसमिल के बाद अगर आप अंक लेना चाहते हैं तो तीन अंक तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दो अंक तक भी ले सकते हैं, अधिकतर दो ही अंक तक लिया जाता है, लिया नहीं जाता है, लेने के लिए आप पूरा ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर आदमी दो अंक तक लेते हैं, ठीक है। तो आप तीन अंक तक लीजिए अच्छा रहेगा, क्यों तीन अंक तक लीजिए, दशमलव के बाद अगर कुछ अंक को छोड़ते हैं लास्ट वाले को, जब कैलकुलेट करेंगे कोई संख्या ऐसे कुछ ना कुछ दशमलव के बाद वाले अंक के पहले नहीं, दशमलव के बाद वाला अंक लास्ट अंक सब में जो है ना कुछ अंतर आ जाता है। तो इसलिए अगर दो, अगर मान के चले तीन अंक तक चार अंक तक ले लेते हैं तो ये दोनों अंक चेंज कभी नहीं होगा, ये दोनों चेंज कभी नहीं होता है, सेम ही आता है। तो आप 0.66 भी ले सकते हैं, 0.661 भी ले सकते हैं, दो लीजिए या तीन लीजिए, नियम मैथ का नियम जो है दो या तीन लीजिए, दो अंक तक या तीन अंक तक लीजिए, ठीक है, मैथ का ये नियम, ठीक है। और कोई किसी इस सवाल को किसी किन्नी को और कुछ पूछना है तो बता सकते हैं सर, एक व्यक्ति बोलिए, कृष्ण जी बोलिए, कृष्ण कृष्ण क्या नाम है, कृष्ण जी बोलिए सर, इसको डिसमल जो है 0.661 को सर पूर्णतः रूप से क्या सर बोला जाएगा उसको? अगर इसको बोला जाएगा पूर्ण रूप से, अगर स्पष्ट रूप से, तो 288 वर्ग फीट इसको सर, बोला जाएगा 288, ठीक है, अगर बोला जाएगा तो। जी सर, लेकिन आप इससे गुना करेंगे तो हो सकता है कुछ अंतर आ जाए,
क्यों आ जाएगा? क्योंकि दशमलव के बाद जो है यहाँ पे हम कुछ मतलब तीन अंक तक ही लिए, लेकिन दशमलव के बाद बहुत सारा अंक आता है, सबको हम इग्नोर किए हैं। तो इग्नोर जो किए हैं वो कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा ही, ठीक है। अभी चेक कर देते कि इसको इस दोनों को गुना, देखो इसको सर डिसमिल में, सर डिसमिल में क्या बोलेंगे, डिसमिल में जैसे कि मान आया तो डिसमिल में क्या बोलेंगे? हाँ सर, डिसमिल में जैसे कि 0.66 और डिसमिल में कितना डिसमिल इसको बोल सकते हैं? इसको बोलेंगे 0.661 डिसमिल, यही बोलेंगे। ठीक है सर, ओके, यही मान है सर। अगर इसी को मान के चलिए, आपको इसको अगर मान के चलिए डिसमिल का मान, ठीक है, इसको हम आगे तो क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, लेकिन इसको अगर मान के चलिए आपको स्क्वायर फीट में चेंज करना है, स्क्वायर फीट में चेंज करना या जो भी चीज में रहे उसको चेंज करना बताएंगे, ठीक है ना। और आपको अभी जो बताएं दशमलव के बाद जो कुछ अंक छोड़ते हैं, ठीक है, वो अपना असर डालता है, वो इतना कम, हाँ मैक को बन कीजिए, वो इतना कम उसी में अपना इफेक्ट डालेंगे कि वहां पे नहीं के बराबर उसको माना जाता है कि कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। देखिए अगर देखिए यहाँ पे देखिए हम इस मान को अगर निकालेंगे, दशमलव को छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे जो है ना यानी 287.97 आ जाता है, यानी पॉइंट में जो है ना कुछ पॉइंट में, ठीक है, यानी एक पॉइंट में कम आ जाता है, यानी ये आ जाता है अगर इस मान को दशमलव बहुत सारे अंक छोड़ दिए, दशमलव के बाद तीन अंक ही लिए, पूरे अंक लेंगे तो उसी हिसाब से अगर इसको यहाँ से ड्रैग पूरे अंक लेने के बाद जितना आया है तो देख अगर चेंज करेंगे स्क्वायर फीट में सेम आ जाएगा इतना, लेकिन हम अंक छोड़ते हैं तो अंक जो छोड़ते हैं दशमलव के बाद जो रहता है उसको छोड़ते हैं तो वो कुछ ना कुछ असर अपना दिखलाता है दशमलव के बाद वाले में अक्सर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो दशमलव के बाद वाले और पहले वाले में यहाँ पे असर दिखला दिए हैं, 287.97 आ जाता है, यानी पॉइंट में कुछ कमी वहां पे निकल जाता है। तो इसलिए अगर आप कैलकुलेटर का यूज करते हैं फील्ड में, ठीक है, लिखने के लिए पेपर में, अगर मान के चलिए इस प्रकार आए, अगर कुछ ऐसे कैलकुलेशन करके बल प्लॉट का रकवा निकाले और उसको डिसमिल में चेंज करना है, तो रकवा में आप इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है, रकवा में आप इतना लिख सकते हैं, स्क्वायर फीट में निकालना है तो रकवा में आप डिसमिल में इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं होगा, वो परफेक्ट तरीका लिखने का, ठीक है। हाँ कहिए, कितना अंक लगे से निकाले डिसमिल का मान? उसलिए ना बिट्टू जी बोलते हैं, आप आराम से पीछे वाले क्लास कीजिए, आपको ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे जो है जिस लगी की मान की आवश्यकता है ही नहीं, ये भी आपको जानकारी नहीं है, यानी डिसमिल चल रहा है ना, डिसमिल में लगी का मान क्यों पड़ेगा? एक मिनट, इससे स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि आप पीछे वाले क्लास को नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं, कल आप बिट्टू जी अपना नोट्स भेजेंगे, ठीक है, जो कि आप पढ़े हैं। हमको ये कहने का तात्पर्य था, सुनिए सर, जैसे हेक्टेयर का एकड़ एकड़ का मान सब लगी का अनुसार अलग अलग एकड़ का मान होता है, उसी तरह ये पूछना चाहते हैं जो जीरो ये जो है 0.661 कितना हाथ के लगी से बना है? पहला बात सर, एकड़ तो डिसमिल में चलता है ना सर। गौरव जी आप मुंह बंद करके रखिए, हम समझाने के लिए यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को किन्हीं को नहीं बोलना है, ठीक है, जब हम आप लोगों से कोई क्वेश्चन करें तो कोई तो आप लोग उसका जो है ना आंसर दे सकते हैं, जो बोल रहे हैं सो सुनिए। अभी बिट्टू जी कभी भी जो है ना, कभी भी याद में रखिएगा, याद रखिएगा ब्रेन में हर हमेशा के लिए चीज डाल लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है, और ये चीज कभी भी आए तो वही चीज को अप्लाई आपको करना है, कभी भी धूर कट्ठा बीघा कनवा छुड़की फुड़की का अगर बात करेगा ना तो वहां लगी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, अगर उसके अलावा डिसमिल हेक्टेयर कुछ भी पूछे, ठीक है, तो वहां पे आपको लगी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, समझ गए, आप हेक्टेयर का बात कर रहे हैं, जब हेक्टेयर को हम धूर कट्ठा में चेंज करेंगे तब वहां लगी की मान को हम जिक्र करेंगे, अगर वहां पे हम डिसमिल का बात करेंगे या स्क्वायर फीट का बात करेंगे या मीटर का बात करेंगे, स्क्वायर गज का बात करेंगे, स्क्वायर डेग का बात करेंगे, स्क्वायर
वृत्ता का बात करेंगे, स्क्वायर करी का बात करेंगे, तो वहां पे हमको लगी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ गए? यही चीज हम बहुत आपको बेसिक से आप लोगों को जो पढ़ाए हैं इतना दिन बेसिक, यही सब ये सब चीज समझेंगे तो यहाँ पे बताने के लिए मेरे हमको सहूलियत होगा, और वो चीज पीछे से पढ़े रहेंगे तो आप यहाँ पे आपको बूस्ट मिलेगा। एक प्रकार से टॉनिक वो पिलाए थे आप लोग को, आप टॉनिक नहीं पियेंगे तो कमजोर हो ही ना जाएंगे, तो ये बात को समझिए। समझे बिट्टू जी? बिट्टू जी सर, बिट्टू जी का कहना था कि एकड़ में डिसमिल यानी एकड़ में लग्गी का मान होता है, तो एकड़ में तो नहीं होता ना सर? नहीं, एकड़ में नहीं होता है, उसको धूर कटा बीघा में चेंज करेंगे तो फिर लग्गी की मान हमको लेना पड़ता है। चलिए बिट्टू जी, आपका जो अगर मान के चलिए ज्यादा अगर दिक्कत होता है कोई बात नहीं। हाँ बिट्टू जी बोलिए। सुनिए बिट्टू जी, आपका आवाज था, आपका नेटवर्क थोड़ा कमजोर है। ओके सर, आगे पढ़ाइए सर। हाँ बिट्टू जी के लिए, बिट्टू जी आपको बोल देते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको समझाना मेरा कर्तव्य है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन पूछना भी कर्तव्य है, लेकिन आपका भी कुछ कर्तव्य है, ठीक है, और मेरा भी कुछ कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य जो है, जो भी मेरा कर्तव्य रहेगा आप बोलिएगा, वो चीज को हम बताएंगे, लेकिन आपका भी थोड़ा कर्तव्य है कि हम जो भी पढ़ाते हैं उसको देखिए समझिए, फिर भी देखने समझने में प्रॉब्लम आता है तो कोई बात नहीं है, उसके लिए हम है, और पर डे रोजाना आपके लिए एक घंटा है, 3 से 4 डे में, यानी दिन में 3 से 4, उस बीच में मेरे साथ जितनी खिचड़ी पकाना है, सवाल को तोड़ना है, मरोड़ना है, जितने पाछे जाना है, ठीक है, जितने आपको पाछे जाना है उतना पाछे जाके क्वेश्चन आंसर कीजिए और उसी को समझिए, पीछे वाले वीडियो को यानी जो क्लास लाइव हुआ है, रिकॉर्डेड क्लास है, उसको देखिए, उससे जो भी रिलेटेड सवाल होगा वो पूछिए, लेकिन जो पढ़ा दिए हैं उसी में पूछिए, अन्यथा आगे नहीं जाना है ज्यादा, ठीक है ना, आगे आपको नहीं जाना, आगे पढ़ाई नहीं है, ठीक है, आप कहीं से अगर मान के चले पढ़ भी लिए तो उसी का जिक्र जो है ना मेरे पास नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो अलग रहता है, कहीं और जो पढ़ाता है वो अलग रहता है, वो आपको खुद पता चल, अगर आप कहीं क्लास किए होंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे हर सवाल को बताने का जो तौर तरीका ही पूरे चेंज है, यहाँ पूरे चेंज है, ठीक है बिट्टू जी। चलिए बिट्टू, मैं को ऑफ कर लीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, आप क्लास खत्म होने के बाद आराम से कॉल करके हमसे बात कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये हो गया, अब ये तो हो गया, आपको हम कड़ी में बताएं, फीट में बताएं, ठीक है, आप मान के चलिए इसमें भी देखिए कैसे कैसे होता है, आप लोग नोट करते चलिएगा, एक प्रकार से ये आप लोगों के लिए सूत्र तैयार होता है, जो भी लिखते हैं ना एक प्रकार से सूत्र तैयार होते जा रहा है, इस चीज का यूज जो है ना आपका आपको करना करते रहते हैं। अब इसको हम मिटा रहे हैं सर, सर सर वहाँ पे जो सूत्र जो लिखे थे तो वो डिसमिल बराबर जो 435.6 लिखे हैं वो सूत्र में ही आता है क्या? 435.6 जी सर, 435.6 डिसमिल का मान है, और डिसमिल का मान जब वर्ग कड़ी में रहेगा ना, वर्ग फीट में रहेगा तो सूत्र जो है ना ऑटोमेटिक वहां पे लग जाता है, 435 ही आपको लेना है, वो फिक्स है, हाँ फिक्स है, वो सूत्र का पार्ट बन जाता है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्लास किए हैं तो वो आपके लिए वो फॉर्मूला है ही नहीं, सूत्र है ही नहीं, आपके लिए कॉन्सेप्ट है, एक समझ है, वो समझ को यूज कर लेते हैं, सूत्र बन जाता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं सर, वही क्लियर करना था। ओके चलिए ठीक, देखिए